मेरा 2017 में ये ऑपरेशन बन चुका है। और ऑपरेशन के इसके बाद तकलीफ हुई थी बाद तकलीफ हुई थी, वापस और फिर वो वापस दिखाई वापस ऑपरेशन का बोला था। ऑपरेशन का बोला था। अभी हाँ तो 2 महीने पहले वापस ये तकलीफ हुई, हाँ मुझे फिर से डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, लेकिन मैं आपके पास आया और अभी मेरा लगभग शुगर ठीक हो गया। कैसा है सुनील भाई? भाई अभी डॉक्टर साहब 95% 100% ठीक हो गया है। हाँ 2 महीने पहले जब मैं आपके पास आया था तो मेरे रीढ़ की हड्डी में L4 L5 के बीच में गैप आ गया था, गादी खिसक गई थी। डॉक्टर हाँ जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है उन्होंने तो ये बोला था कि ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। फिर मैं आपके पास आया, आपके पास 5-6 सेटिंग मैंने लिया, इसके बाद तो मेरा लगभग ठीक हो गया। पहले मैं चल भी नहीं पाता था, मतलब 4 कदम अगर मुझे लेटरिन जाना पड़ता टॉयलेट, टॉयलेट भी जाने के लिए मेरी बहुत हालत खराब हो जाती थी। तो मेरे उल्टे पाँव में पूरी मूंगी चलती थी, पूरी मूंगी रहती थी उल्टे पाँव में, झुंझनी रहती थी, रात में भी झुंझनी बहुत मुझे महसूस होती थी। लेकिन आपके पास आया 4-5 सेटिंग के बाद में अभी मेरा जो है बिल्कुल ठीक हो गया। 7 साल पहले ऑपरेशन एक बार हुआ था हाँ, एक बार मेरा 2017 में ये ऑपरेशन हो चुका है। और ऑपरेशन के बाद तकलीफ हुई थी इसके बाद तकलीफ हुई थी, और फिर वो वापस दिखाई वापस ऑपरेशन का बोला था। वापस ऑपरेशन का बोला था। अभी हाँ 2 महीने पहले वापस ये तकलीफ हुई, हाँ मुझे फिर से डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, लेकिन मैं आपके पास आया और अभी मेरा लगभग शुगर ठीक हो गया है। चलना 2 महीने पहले चलना भी मुश्किल था, चल भी नहीं मुश्किल सकते। था, मैं 4 कदम चल भी नहीं पाता था, हाँ बहुत मुश्किल था, लेटे रहता था, लेकिन अब मैं चल पा रहा हूँ, ना साइट पे जाता हूँ, ऑफिस का पूरा काम कर पा रहा हूँ। आपको जब आया तब क्या थी? L4 L5 में नस दब रही थी। नस दब रही थी तो हाँ इसकी वजह से पूरा पैर में दर्द आ रहा था। इसकी वजह से पूरा दर्द आ रहा था, और उल्टा जो पाँव है मेरा हाँ उसमें पूरी मुट्ठी चलती थी, और मेरा जो है वो नहीं पता है सर। ये मेरा जो पंजा था वो सीधा भी नहीं हो पाता था, और मतलब मेरे जो चलना बिल्कुल मुश्किल था मेरे लिए। मैं लेटे ही रहता था, लेटरिन करने भी जाने में भी दिक्कत होती थी। अच्छा और अब सब काम कर अब सकते मैं हैं। सब काम कर सकता हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, साइड पे भी जा रहा हूँ, तो पूरी तरह से ठीक हो गया। क्या लगता है कोई दूसरे पेशेंट को ऐसा इसी हाँ तकलीफ को ट्रीटमेंट कर सकते हो? हाँ मेरे हाँ अपने पहचान वाले जो भी हैं उन लोगों को हमने बताया है कि भाई ऑस्टियोफिक्स में आप जाइए, तो इस प्रकार की जो भी तकलीफ है उससे आपको 100%। ऑपरेशन के बाद भी इतनी ज्यादा तकलीफ थी तो भी हो गई, तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो हो सकती है। पहले से ध्यान रखने को थोड़ी बहुत तकलीफ तो आराम से हो सकता है। तो हाँ आराम से हो सकता है, बिना यहाँ बिना दवाई यही ट्रीटमेंट से ठीक हो गया दवाई के। दवाई के मैंने कोई दवाई नहीं लिया। आपकी का ट्रीटमेंट जो आप एक वीक में एक बार बुलाते थे हाँ वही उसी ट्रीटमेंट में मैं यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट में चालू करते हैं।